अब शौनक के पहले प्रश्न का जवाब दिया, ध्यान से सुनना। किम श्रेय, मानव के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है? बताया कि हे शौनक, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त कर ले, यही मानव को भवसागर पार होने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति हमारे दिल में आ जाए। अब आप सोचेंगे कि महाराज हम भक्ति तो बहुत करते हैं, मंदिर में रोज आरती उतारते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, यही तो भक्ति है ना भाई। भक्ति हम बहुत करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति में ना कोई न कोई स्वार्थ होता है, कोई न कोई कारण होता है। कहते हैं सूत जी की अहेतुक्य प्रतिहता, भगवान की भक्ति कैसे करो? बोले अहेतुकी, कोई हेतु ना हो, कोई मांग ना हो, बदले में कोई कामना ना हो, सहज भाव से भक्ति करो। और हमारी आदत है मंदिर दिखाने की मांगना शुरू, हाँ जहां मंदिर दिखता दर्शन हम बाद में करते, पहले मांगना शुरू हो जाता है कि हे भगवान मेरे घर पर सुख शांति रखना, कृपा बनाए रखना, मेरा धंधा पानी बढ़िया चलता रहे, यही सब मांग रहती है हमारी। और हम आरती भी तो उतारते हैं तो उसमें भी तो देखो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अब कोई पूछे कि ये आरती कर रहे हो या मांगने की लिस्ट भगवान को पकड़ा रहे हो? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये तो पूरी मांग है ना। भगवान की भक्ति करो तो कोई मांग ना हो, कोई हेतु नहीं। और मजे की बात सुनो, मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा, नहीं मांगने से कभी कभी वो भी मिल जाता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो। इसलिए परमात्मा से भी मांगो मत, मांगने की जरूरत ही नहीं है भाई। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, वहां मांगने की जरूरत क्या है? और मांगते भी हम क्या हैं? ये दुनियादारी की चीजें हैं, ये भोग की वस्तुएं, ये विषय विलासिता की चीजें। अब किसी राजा के दरबार में जाकर तुम 5 रुपए मांगो, ये तो राजा की भी तौहीन है ना। परमात्मा से मांगना ही है तो परमात्मा से मत मांगो, परमात्मा को ही मांग लो कि मालिक तुम मुझे मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान ही जिसको मिल जाए फिर तो कायनात मिल गई ना, फिर और क्या चाहिए। किसी ने बहुत प्यारा शेर कहा कि आओ बांट लें ये कायनात, कायनात यानी दुनिया, चलो आओ बांट लें ये कायनात, एक तू मेरा बाकी सब तेरा, एक तुम हमारे हो जाओ बाकी सब तुम ले जाओ, लेकिन तुम हो जाओ हमारे। परमात्मा से मत मांगो, परमात्मा को ही मांग लो। किसी सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं अगर मांगू तुझे, ए मालिक मैं जीव हूं, मांगने की भूल कर सकता हूं, लेकिन मैंने मांगने की भूल कर भी दी ना तो आप मुझे देने की भूल मत करना। मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं प्रभु मजदूर हो जाऊंगा मैं। मैंने मांग ही लिया ना प्रभु तो तुम मुझे देना मत, वरना मांग लिया और आपने दे दिया फिर आशिकी कहां रही, है तो मजदूरी हो गई ना। जैसे कोई मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को मालिक उसका पैसा दे देता है, बस बात खत्म। हमने भी दिन भर माला फिराई और शाम को भगवान ने फल दे दिया, ये तो मजदूरी हो गई ना। नहीं, भक्त मजदूरी नहीं करता है, भक्त तो दीवाने होते हैं।
आशिक होते हैं, परमात्मा से मांगना नहीं।